हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बॉम्बे कराची का हलवा। तो आप इसका सामान देख लीजिए। ये मेरे पास एक कटोरी अरारोट है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर पाउडर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरी शक्कर है, एक कटोरी घी है। घी अपन अपने हिसाब से हम डालेंगे, अभी बताएंगे। और ये हमारे पास है ना खरबूजे के दाने हैं, और ये कलर है। तो हम बनाते हैं। तो गैस, हम कटोरा लेंगे, इसमें अरारोट डाल लिया। एक कटोरी अरारोट है, तो हम एक कटोरी ही शक्कर डालेंगे। और फिर आप जैसा मीठा खाना चाहो उस हिसाब से डालना। इसको मिला लेते हैं। अब गैस हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कटोरी अरारोट था, तो हम इसमें ना 2 कटोरी पानी डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ना गुठली नहीं पड़ने पाए। तो गैस, इसमें क्या है ना, लंग्स बहुत जल्दी पड़ती हैं गुठलियाँ। इसको अच्छे से चला लें। इसमें हम ना 1 चम्मच घी डाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे अभी। तो गैस हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने घोल बनाया था ना, तो वो इसके अंदर डालेंगे। गाइस, इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। इसे ना बराबर चलाते रहना है, क्योंकि इसमें ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं, ये जल्दी ठीक होता है। गैस, ये ना टाटरी है, खट्टा होता है इसको हम खट्टा करते हैं। तो ये टाटरी ले लेंगे, इसमें हम हल्की सी एक चुटकी टाटरी डालेंगे। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के रस का। इसे हमें ना बराबर चलाना है। ये हमें गाढ़ा हो रहा है, ये गाढ़ा हो रहा है, उसको इसी तरह चलाना है हमें। हम क्या करेंगे, जो खरबूजे के बीज थे अब हम वो डालेंगे। हरा कलर है, आपके पास कोई भी और कलर हो, रेड येलो, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ना हरे कलर का यूज़ करूँगी। गाइस, इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। अगर आप चाहो तो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने आज इसमें सिर्फ खरबूजे के बीज डाले, इससे बहुत अच्छा लगता है। तब तक हम इस बर्तन में ग्रीस लगा लेते हैं, घी लगा लेते हैं, इसको ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसी में बनाऊंगी। अच्छा सा लगाना है, ग्रीस चिपक जाता है। इसको हम चेक करते हैं। अब ये हाथों से चिपक रहा है, यानी अभी नहीं बना है, ये गोली सी बन जाती है इसकी हल्की सी, तो समझना हमारा ये पक गया। तो अभी ये चिपक रहा है, तो अभी ये नहीं बना। तो गाइस, ये हमारा हलवा बॉम्बे कराची का हलवा बनने जा रहा है। ये ज़्यादा घी भी नहीं लेता है, सिर्फ मुश्किल से 2-3 चम्मच डलता है इसमें। अगर गाइस आपको ना थोड़ा मीठा खाना हो तो आप हल्की सी शक्कर और डाल सकते हैं। 1 कटोरी अरारोट, 2 कटोरी पानी, 1 कटोरी शक्कर
बस इसका मेजरमेंट इतना ही है गाइस। ये साइड भी छोड़ रहा है, एकदम ठीक हो रहा है। वो कितनी शाइनिंग आ रही है ये आप देख रहे हैं ना। तो ये हमारे बनना है, ये तैयार हो रहा है, बस एक सेकंड और इस तरह चलाना है। गाइस हमारा लुआ बन के तैयार है। अब इसकी गैस की फ्लेम को बंद करते हैं, दूसरे बर्तन में इसको पलट लेते हैं। तो गाइस ये हमारा लुआ बन के तैयार हो गया है। अब इसको कम से कम एक घंटे के लिए, एक दो घंटे के लिए इस तरह ही छोड़ देंगे, तब तक ये जम जाएगा। और ये वही वाला बर्तन है जिसमें हमने घी लगाया था। तो गाइस ये हमारा बॉम्बे कराची हलवा जम के तैयार हो गया है। और मैं आपको ना उठा के भी बताती हूँ, काजू बहुत शानदार बना है। मैं आपको ये उठा के बता रही हूँ, कोई दिख रहा है ना आपको। इसके हम पीसेस काटेंगे। तो गाइस प्रत्येक पीस अच्छे से निकल रहे हैं और ये बहुत शानदार बनता है, देख रहे हैं एकदम जेली बनी है। त्योहारों पर बहुत अच्छी मिठाई बनती है इसकी। अब हम क्या करेंगे, तो ये ऐसे हमें ना इनको जो मार्केट में बनाते हैं ना हलवाई लोग, इस तरह हम पन्नी में पैक करके रखते थे। ये मैंने तीन चार बना के रखती हैं पन्नियों में। इसमें घी बहुत होता है तो ये फिसलती हैं। तो गाइस ये हमारे पन्नियों में ही पैक हो चुके हैं, हम बाज़ार से लेने जाते हैं तब कुछ इस तरह पन्नियों में ही मिलते हैं हमें। तो गाइस ये हमारा बॉम्बे कराची हलवा बनके तैयार हो गया एकदम सिंपल तरीके से। हमें ना जब हम बनाते हैं ना तो सारी चीज़ें हम पानी में घोल लेते हैं, बाकी की चाशनी वाशनी तरीके से बनाते हैं वो ऐसा कुछ नहीं बनाना, एकदम सिंपल तरीका है, कोई भी झंझट नहीं, सिर्फ चलाते ही रहना है कढ़िया में जाके, क्योंकि इसमें गुठली पड़ जाती है तो वो नहीं पड़ना चाहिए। बाकी का जो है शानदार, बहुत शानदार बनी है ये बर्फी बॉम्बे कराची हलवा की। तो आप गाइस इसको ज़रूर ट्राई करना एक बार, थोड़े से सामान से ट्राई करना, आपका 100% ये बन के तैयार होगा। और इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल सीमांस कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना और मेरे चैनल सीमांस कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो आपके पास अच्छे अच्छे आए। टेक केयर।